चुनाव के बाद हापुड़ के अकड़ौली में शुरू होगा जिला जेल का निर्माण। जनपद हापुड़ में लोकसभा चुनाव के बाद अकड़ौली गांव में जिला जेल का निर्माण शुरू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 7 कार्यदायी संस्थाओं ने जेल के निर्माण के लिए आवेदन किया था। आचार संहिता हटने के बाद टेंडर खोले जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार शासन से जिला जेल के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 66.53 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। हापुड़ ब्लॉक के गांव अकड़ौली में 24.31 हेक्टेयर भूमि पर जिला कारागार बनाने का निर्णय लिया गया था। शासन ने अकड़ौली में भूमि खरीदने के लिए 52,26,45,760 रुपये की स्वीकृति दी थी। इस धनराशि से जेल के लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जिसके बाद से ही जिला कारागार के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन धनराशि न मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। अब इस दिशा में कार्रवाई तेज हुई है। आचार संहिता लगने से पहले शासन ने इसके निर्माण के लिए 66.53 करोड़ की धनराशि जारी कर दी थी। इसके बाद जेल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मांगे गए थे, जिसमें 7 कार्यदायी संस्थाओं ने आवेदन किए थे। आचार संहिता के हटने के बाद टेंडर खोले जाएंगे। सबसे कम निविदा वाली फर्म को टेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद जेल का निर्माण शुरू होगा। वर्ष 2011 से अभी तक जिले के बंदी गाजियाबाद डासना जेल में शिफ्ट किए जाते रहे हैं, जिसके कारण पुलिस और यहां तक कि बंदियों के परिजन और रिश्तेदारों को काफ़ी परेशानी होती थी। डासना जेल की क्षमता 1750 कैदियों की है। वहां करीब 3000 से अधिक कैदी हैं। इनमें हापुड़ जनपद के विभिन्न अपराधों में बंद करीब 1200 से अधिक कैदी हैं। जनपद में जिला कारागार का निर्माण होने पर डासना जेल में कैदियों का बोझ कम होगा। जेल प्रशासन के अफसर भी इसी प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द जिला कारागार का निर्माण हो सके। मनोज सिंह, सहायक अभियंता, ने बताया, जिला कारागार के लिए 66.53 करोड़ की धनराशि खाते में पहुंच चुकी है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।